हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फायर फाइटर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है रिक्वायरमेंट है ऑफ फायरमैन, यानी आपको अगर फायरमैन की जॉब की ज़रूरत है या फायरमैन में आप जॉब करना चाहते हो, क्योंकि अभी एटलीस्ट क्या हुआ है कि फायरमैन का रिजल्ट आ गया और उसमें भी लाख लोग कैंडिडेटों में से सिर्फ 6,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। बाकी के लोग फिर जो रोज़गार अपना छोड़ के तैयारी कर रहे थे वो भी है, और नए कैंडिडेट भी अपकमिंग हुए। तो सबको अभी ज़्यादातर कैंडिडेटों को क्या इस माहौल में रोज़गार की तलाश है कि कहीं ना कहीं फायरमैन की अगर 10-12-15 हज़ार की जॉब मिल जाए तो बढ़िया सुटेबल हो जाए और नेक्स्ट वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन भी हो जाए। क्योंकि आगामी अभी जिस भी कैंडिडेट ने लॉकडाउन में 19-20 मान के चले आप 20-21 के जो भी डिप्लोमा पास आउट है, उन कैंडिडेटों को बेसिक ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत रहेगी। कोरोना काल में नहीं हो पाई ऑनलाइन क्लास की वजह से या कुछ भी इश्यूज हुआ, तो उनको अभी नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो फायर एंड सेफ्टी में हमारा जो सब्जेक्ट रहता है फायर सर्विस में, तो अभी आप यंगस्टर हो, 18-19 साल 20 साल एज है, कोर्स अभी आपने किया, तो आगामी भर्ती 2-3 साल बाद 3 साल बाद रिक्वायरमेंट फिर होगी, क्योंकि मेला तो लगता रहेगा 2-3-4 साल बाद। तो आगामी वैकेंसी में आप बढ़िया परफॉर्मेंस करने के लिए आपके पास अभी थ्योरी को अपग्रेड करने का एक ही आपका मेन जो फोकस है वो बनता है, तो वो आपका जॉब के माध्यम से बनता है। अभी अगर आप बिना टाइम वेस्ट किए प्राइवेट सेक्टर में कदम रख लेते हो, चाहे आपको 8,000 रुपये मिले, चाहे 10 मिले, चाहे 12 मिले, चाहे आपको कुछ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट भी करना पड़े, तो भी आपको वो चीज़ें ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसी में आपको हेल्प के लिए वो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। और अगला कंपटीशन जो एग्ज़ाम का लेवल है वो आप उस लेवल के हिसाब से आपका आगामी जो वैकेंसी आएगी तो उसमें रिटर्न क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिनका फील्ड एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, उनका थ्योरी में रिटर्न जो है वो ज़्यादातर रिटर्न कंप्लीट करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अभी आप अगर फायर एंड सेफ्टी में फायरमैन पोस्ट पर जॉब की आपको ज़रूरत है, जॉब करना चाहते हैं, अगर फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेल आईडी दे रहा हूँ, वहाँ पे आप अपना सीवी, बायोडाटा, रिज्यूम जो भी हैं वो अपडेट करेंगे। और अब नए जो यंगस्टर होते हैं, काफ़ी को नहीं पता कि भाई सीवी क्या होता है, बायोडाटा क्या होता है, रिज्यूम क्या होता है, तो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको नहीं पता ये, तो आप नज़दीकी इमित्रा पे जाइए और वहाँ पे एक बायोडाटा, वो उनको बोली कि हमारा बायोडाटा तैयार कीजिए। बायोडाटा में आपकी डिटेल रहती है, क्वालिफिकेशन डिटेल, आपका नेम, डाटा, मोबाइल नंबर, मेल आईडी वगैरह जो भी है पूरी डिटेल रहती है, और सिंगल पेज का वो चीज़ें होती है। उसमें अगर आपका कोई भी क्वालिफिकेशन, आपने कहाँ से किया है, एक्सपीरियंस है, तो वो भी मेंशन करना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी क्या है, हॉबीज़ क्या है, वो पूरा डिटेल एक दो पेज में रहता है। और जब हम कहीं भी रिक्वायरमेंट में ज्वाइन करने से पहले वो हमारा सीवी मांगते हैं, तो हम सीवी के में जो वो चीज़ें पीडीएफ में हमारे पास होती है, तो मेल पे हम सीवी भेज देते हैं, फिर वो अपना सीवी चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको लगता है कि ये कैंडिडेट हमारे लिए सुटेबल है, तो फिर हमें कॉल के माध्यम से वो आपको या मैसेज के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा आपको, या साइट पर जाके इंटरव्यू देना होगा। तो आप अगर अभी तक आपने सीवी तैयार नहीं किया, तो आप अपना पहले सीवी तैयार करा रहे जो भी नए यंगस्टर हैं वो, और थोड़ा सा थ्योरी को प्रिपरेशन कीजिए। कुछ बेसिक कंसेप्ट जो होता है फायर से रिलेटेड, फ्रेशर को उतना ही पूछा जाता है जितना आपके पास नॉलेज होगा। तो नीचे मेल आईडी मेंशन कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे अपना सीवी भेज दिए। 50 फायरमैन की फिलहाल रिक्वायरमेंट हैं, कुछ पूरी भी हो चुकी है, तो अभी भी काफ़ी सीटें हैं, 50% से ज़्यादा अभी भी सीटें हैं जो बची हुई है। और आप सीवी अपडेट करिए अगर आपको जॉब की तलाश है, या आपके किसी भी साथी को अगर फायरमैन की जॉब की तलाश है, तो वीडियो को वहाँ शेयर कीजिए और डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पे अपना सीवी सेंड कीजिए। कंपनी आपको PF ESI काटेगी, आपका PF कटेगा, ESI कटेगी, आपका सैलरी जो रहेगी वो अपडेट आपको करेंगे, पूरी सुविधाएँ मिलेगी, रहना आपका फ्री होगा, खाना खुद को आपको एडजस्ट करना है, खाना छोड़ के बाकी सारी सुविधाएं आपको, रहने की, ट्रांसपोर्ट की सारी सुविधाएं आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये PF ESI भी आपका कटौती होगा, और ये रिक्वायरमेंट है काफ़ी जो है अपने स्टेट हैं उनमें इनका जो है कॉन्टैक्ट रहता है, तो बहुत से जो अपना
स्टेट है उनमें ये मैन पावर प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप अपने CV सेंड कीजिए, उसके बाद रिक्वायरमेंट में आपको अगर लोकेशन बढ़िया लगे तो आप ज्वाइन करना, अगर नहीं लगे तो वैकेंसी आती रहेगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। क्योंकि तो अभी कुछ टाइम जो है बाकी सब टॉपिक छोड़ के इसी टॉपिक पे फोकस है कि जो भी बेरोजगार कैंडिडेट अभी रोजगार की तलाश में, उनको बहुत ज़्यादा जिनको रोजगार है, तो फिर उनसे हम थर्ड पार्टी से कॉन्टैक्ट करके उनसे आपका जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, ताकि आपको अभी इस बेरोजगारी के दौर में आपको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि उनको ज़रूरत होती है जॉब की, लेकिन जॉब का जो एक रास्ता होता है वो नहीं मिल पाता। और यहाँ ये चीज़ें हैं कि हेल्प कोई करना नहीं चाहता, तो जिसके भी पास रिक्वायरमेंट होती है वो चाहता ही नहीं कि हमारे पास, हमारे एरिया, हमारे क्षेत्र या हमारी जान पहचान का कोई कैंडिडेट आए। तो इसलिए बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार बहुत है अभी भी। जहाँ भी 50 फायरमैन की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे भी 50% से ज़्यादा मैन पावर नहीं होती, 50% खाली चलती है रहती है। क्योंकि मैन पावर अभी एटलीस्ट फायर में मैन पावर कंप्लीट हो ही नहीं रही, तो रिक्वायरमेंट है बफर चल रही है, 1, 2, 4 तो चलती रहती है, लेकिन ये जो बफर रिक्वायरमेंट है ये थोड़ा सा कभी कभी मिलती है। तो यहाँ पे आपको फ्रेशर जो कैंडिडेट है उनको मौका मिलने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो मेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, उसके मेल आईडी पे आपको CV फॉरवर्ड करना है, उसके बाद आपका कॉल या आपको मैसेज आएगा उस पर। जो भी मेल आईडी और जब जो भी आप मोबाइल नंबर अपडेट करो वो आपका कंटिन्यू चालू रहना चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से HR की टीम है वो आपसे संपर्क करेगी और आप उसके ऊपर CV भेज दें। और उम्मीद करते हैं आपका इंटरव्यू हो जाए। और आगामी वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।